कोरोना संक्रमण के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ाई लंबी हो सकती है, ऐसे में आमजन को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को ही आदत में शुमार करना होगा। उन्होंने कहा, कोरोना का कोई इलाज वैक्सीन नहीं आए तब तक हमें इसके साथ ही चलना होगा। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रवासियों की घर वापसी के लिए अभी तक अकेले राजस्थान में 17 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 10 लाख की संख्या वह है जो राजस्थान आने वाले हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में मूवमेंट होता है तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में फंसे मजदूरों आदि को लाने का काम करेगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग और प्रदेश भर के लिए यह राहत की खबर है कि राज्य में लगभग 50% लोग इलाज के बाद कोरोना से जंग जीत चुके हैं और पॉजिटिव मरीज अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कम से कम मूवमेंट करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें 2 मीटर की, मास्क लगाएं। यहां राजस्थान में तो हमने फाइन सिस्टम किया है, जुर्माना लगेगा अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगा दुकानों के बाहर तो उस पर जुर्माना लगेगा, शराब सार्वजनिक जगह पे पिएगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। अनेक तरह के प्रोविजन हमने किए हैं और ये प्रोविजन करने का मतलब ही यही है कि आम आदमी, क्योंकि इस कोरोना वायरस के साथ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका कोई वैक्सीन नहीं, अब इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप आदत डालते हैं तो आपको जो गाइडलाइन मिली है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, 2 मीटर की दूरी रखना है, इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी हमको जीनी पड़ेगी। हमारे जो भी पॉजिटिव केसेस आए वो सारे बाहर से आए, उन्हीं ने संक्रमित किया लोगों को। अब ये जो श्रमिक है, माइग्रेंट लेबर्स हैं, या जो अचानक लॉकडाउन की वजह से कोई तीर्थ यात्री फंस गया, कोई पर्यटक फंस गया, या कोई आदमी किसी काम से गया था अन्य राज्यों में, वो देश के अन्य हिस्से में वो फंस गया, उसके लिए अनुमत किया भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उन्हीं लोगों को अनुमत किया कि वही आएंगे। अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन शुरू किया कौन आना चाहता है राज्य में, अब 10 लाख लोग राजस्थान में आना चाहते हैं, 17 लाख हो गए, 7 लाख जाना चाहते हैं, तो टोटल 17 लाख का मूवमेंट। अगर इतने लंबे बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है तो निश्चित रूप से स्थितियां बियॉन्ड कंट्रोल भी हो सकती है।